लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जेंटलमैन, रॉक डांसर क्या होता है जरा देखें। आर से होता है रिदम, ओ से ऑर्केस्ट्रा, सी से होता है कॉन्सर्ट, ए से कीबोर्ड, डी से होता है ड्रमर, ए से ऑडियंस, एन से नंबर, सी से कोरस, ई से एंटरटेनमेंट, आर से रॉक, 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 रॉक। देखिए, कोई भी कला हो उसमें लगन की जरूरत होती है और मुझमें बचपन से ही डांस की लगन थी, इसलिए मैंने कुछ ऐसे लोगों को लेकर ये टीम बनाई जिनमें मुझ जैसी ही लगन है। मिस्टर राकेश, सुना है आप भी रॉक डांसर बनना चाहते हैं, क्यों? ये तो बड़ा अजीब सवाल है। देखिए, डांस एक कला है, एक शौक है और मुझे डांस का बहुत शौक है। हाय जया जी, आपका नाम आज की टॉप रॉक डांसरों में है। सुना है कि आप खुद बहुत अमीर हैं, फिर आप ये शोज क्यों करती हैं? मैं दौलत के लिए शोज नहीं करती, मैं हमेशा चैरिटी शोज करती हूँ। ओह, अब मैं आप लोगों का अपनी सिस्टर से इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ। रितु, क्या आप भी अगले शो में हिस्सा लेंगी? जी नहीं। क्यों रितु जी, आप शोहरत कमाना नहीं चाहती? जी नहीं, मुझे डांस करने में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे सिर्फ डांस देखने में मजा आता है। इसका मतलब तुम्हें दिलचस्पी है? ये तुम कैसे कह सकते हो राकेश? क्योंकि रितु, जो चीज देखने में अच्छी लगती है वो पसंद भी होती है। जया जी, क्या आप रितु को भी रॉक डांसर बनाना चाहते हैं? रितु मेरी बहन से ज्यादा मेरी दोस्त है, वो खुद अपनी मर्जी की मालिक है। जया जी, जय जय।
इंस्पेक्टर, कुछ पता चला जया पे किसने गोली चलाई? आप कौन है? मैं जया का हस्बैंड। क्यों, आप शो में नहीं थे? जी नहीं, कुछ जरूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। ये खबर सुनते ही फौरन लौट आया। ओ आई सी, हत्यारा जो भी है जरूर पकड़ा जाएगा। आई होप सो। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, मैंने जया जी की जान तो बचा ली लेकिन आप लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? किसी ने गोली चला दी और वो भाग गया। आप जानते हैं कि इसमें पुलिस की कितनी बड़ी बदनामी है। सारे प्रेस वाले सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि वो कौन था जिसने गोली चलाई। सर, मिस्टर जीजा और मिस्टर मेहता आ गए हैं। ठीक है, उन्हें भेज दो। ओके सर। मेहता हियर। हेलो। हेलो, आई एम जीजा। हेलो। मिस्टर मेहता, आप रितु और जया दोनों के सॉलिसिटर हैं। आप तो जानते होंगे कि रितु जया से अलग क्यों रहती। उसकी वजह है राज मल्होत्रा, जया का हस्बैंड। राज को जुए और शराब की आदत है। उसकी ये आदत ना तो रितु को पसंद है और ना उसके डैडी को पसंद है। और यही वजह है कि उनके डैडी ने दोनों बहनों के नाम अलग अलग विल कर दी। उनके विल में लिखा क्या है? प्रॉपर्टी का ज्यादा हिस्सा रितु को मिला है। क्या जया का शादी से पहले किसी और से प्यार था? जी मिस्टर जे जे, मेरे ख्याल से मिस्टर जे जे मुझसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि जया इन्हीं के ग्रुप में काम करती रही है। क्यों मिस्टर जे जे? सॉरी सर, इसके बारे में मैं नहीं जानता। एनीवे, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू, प्लेजर। ओके, हेलो। हेलो मम्मी। हेलो बेटे पिंकी, कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम मेरे पास आओगी ना? हाँ जरूर आऊंगी। आंटी को भी साथ लाना। जरूर लाऊंगी। मम्मी, मेरी छुट्टियाँ होने वाली है, जब मैं आऊंगी तुम्हारे पास तो रोज तुम्हारे प्रोग्राम देखूंगी। मम्मी मम्मी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? आदो, मम्मी कुछ बोलती क्यों नहीं? हेलो, हेलो, हेलो। सॉरी बेटे, फोन कट गया। दीदी, रितु, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। लेकिन क्यों दीदी? क्योंकि राज का रवैया देखकर मैं अपनी जिंदगी से निराश हो चुकी हूँ और पिंकी का भविष्य बनाने के लिए मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। क्या ये बात राज को मालूम है दीदी? नहीं नहीं, ये बात सिर्फ मिस्टर मेहता को मालूम है और तुम भी ये बात किसी और को नहीं बताओगी। हाय हाय बेबी, आ देखिए जया, समझ में नहीं आ रहा अब शोज का किया क्या जाए। काश हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ कॉन्ट्रैक्ट, हम दोनों ने स्टेज शोज का कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए किया था ताकि उसकी इनकम से एक गरीबों के लिए कैंसर का हॉस्पिटल बना सके। अभी तक तो सिर्फ एक ही शो हुआ है, दूसरा नजदीक है। मुझे इस बात का दुख है कि हमारा सपना अधूरा ही रह गया। हमारा सपना पूरा होगा जया, हॉस्पिटल तो बनेगा
पर कैसे? मैं रितु को रॉक डांसर बनाऊंगा। मुझे? लेकिन मुझे डांस आता कहाँ है? हीरे को तराशना तो चौरी ही जानता है। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर छुपी हुई वो कला है जो रोशनी बन के सारे जमाने पर छा सकती है। Rock, rock the dancer.
जया, ये लो चेकबुक, इस पे दस्तखत कर दो। हाँ, 50,000। इतने पैसों का क्या करोगी? तुम जानती हो मुझे जवाब देने की आदत नहीं है, और खास करके चेक के मामले में। जब तक तुम मेरी बात का सही जवाब नहीं दोगे, मैं चेक साइन नहीं करूंगी। जया, अरे सोचो राज, मेरे कितने पैसे उड़ा चुके हो तुम। पैसे तिजोरी में सजाने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी की जरूरतें पूरी करने के लिए होते हैं। तुम्हारी नजर में पैसा ही सब कुछ है, ना तो तुम्हें मेरी परवाह है ना पिंकी की। ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये तो ऋतु का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि वो की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही है। तुम्हें कितने बार कहा ऋतु का नाम मेरे सामने मत लिया करो। ऋतु का मुझ पर कोई एहसान नहीं है, उसे कोई जिम्मेदारी नहीं संभाली है। ऋतु 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 का नाम सुनता तो मेरे तन मन में आग लग जाती है। उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा है जानना चाहती हो तो सुनो, ऋतु तुम्हारी छोटी बहन है, समझी, छोटी बहन, और तुम्हारे बाप ने अपनी जायदाद के ज्यादा हिस्सा उसके नाम लिखा है, तुम्हारे नहीं। इसलिए क्योंकि डैडी को तुम्हारी आदतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे समझने की कोशिश करो जया, तुम्हारा इनकार सिर्फ तुम्हारी मौत का बहाना नहीं, इससे और किसी की जान भी जा सकती है, इसलिए प्लीज डैम इट, ये चेक साइन कर दो। सुनिए जी, ऋतु घर में है? जी है। उन्हें बुला दीजिए प्लीज। आप बैठिए, मैं बुला कर लाती हूँ। हेलो, राकेश बोल रहा हूँ। मैं जया बोल रही हूँ। हाय राकेश। हाय ऋतु, तुम्हारी दीदी का फोन है। अच्छा जरा टेलीफोन का स्पीकर तो ऑन कर दो। हाय दीदी। राकेश वहाँ क्या कर रहा है? क्यों, क्या हुआ? देखो ऋतु, वो तुम्हारा डांस पार्टनर है, उसे वहीं तक रखो। राकेश के साथ तुम्हारी दोस्ती मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम तो जानती हो, फिर भी तुम बार बार। हेलो, क्या बोल रही हो? राकेश सुन रहा है? सुन रहा है तो क्या हुआ, मुझे दुनिया का तुमसे ज्यादा तकलीफ है। ओके दीदी, मैं आपसे बाद में बात करती हूं। राकेश, राकेश दीदी की बातों का बुरा मत मानना प्लीज। अरे पगली, हम तुम तो दोस्त हैं, और वैसे भी मैं किसी तीसरे की बात का बुरा नहीं मानता। चलता हूं। जया, मैं जरा प्रॉब्लम में हूं, पर्सनल प्रॉब्लम्स, इसलिए मुझे बस 5 लाख की जरूरत। पागल हो गए हो? जब देखो पैसा, जब देखो पैसा। आखिर मुझे किस पाप की सजा दे रहे हो? ये कोई सजा नहीं, ये तो सीधी सी बात है। गौर से सुनो, तुम मेरी पत्नी हो, और पति का अपने पत्नी के हर चीज पे अधिकार होता है, चाहे वो उसकी जायदाद हो या पैसा, समझी? अब मुझे सिर्फ 5 लाख की जरूरत है, और ये 5 लाख मैं तुमसे नहीं तो किसी और से भीख मांगू? हाँ नहीं राज, अब मैं तुम्हें और पैसा नहीं दे सकती। तुम मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो जया, एक आग का तूफान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और वो आग का तूफान सिर्फ 5 लाख के छींटे से बुझ सकता है, समझी, सिर्फ 5 लाख के छींटे से, वरना वो आग तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। जल जाने दो, सब कुछ खत्म हो जाने दो, कौन सा सुख मेरी जिंदगी में बचा है? तुम मेरे पति नहीं हो राज, तुम मेरे दुश्मन हो। मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? मैं एक अजीब उलझन में फंसा हूँ। राज, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकती, मैं नहीं दूंगी, बस तुम चाहे कुछ भी करो, मार डालो मुझे, मैं पैसा तुम्हें नहीं दूंगी। मुझे इनकार करके तुम एक तूफान को दावत दे रही हो जया, एक तूफान को दावत दे रही हो, और तुम अकेली इस तूफान से लड़ नहीं सकती हो, इसका अंजाम क्या होगा? नहीं, मैंने एक बार कहा ना, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकती। मत करो जया। नहीं, मैं पैसा नहीं दे सकती, बस मैं नहीं दूंगी तुम्हें। तुम्हें जिंदगी और मौत की बाजी खेलनी है तो खेलो, जाओ खेलो।
हेलो रितु, रितु प्लीज अभी आ जाओ। दीदी क्या हुआ? रितु, रितु मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ। दीदी मगर अच्छा अच्छा मैं अभी आई। खतरे में है, मैं रॉक डांसर जया बोल रही हूँ, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए, मेरा एड्रेस है। हेलो प्लीज, कैसे हो बेटा? मैं एकदम ठीक हूँ आंटी, मम्मी कहाँ है? आएंगी बेटा। गुड मॉर्निंग रितु, क्या बात है, तुम्हारी सिस्टर नहीं आई? नहीं फादर, उन्हें किसी काम से कहीं बाहर जाना पड़ा। अच्छा फादर, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी थी। व्हाई नॉट कम। हाँ बोलो, क्या बात? फादर आपने मुझसे अभी पूछा था ना कि मेरी सिस्टर मेरे साथ क्यों नहीं आई? हाँ। उसका खून हो गया है। माय गॉड, किसने किया? उसके हस्बैंड ने। क्या? यस फादर, पर मैंने ये बात पिंकी को नहीं बताई और मैं चाहती हूँ उसको पता भी ना चले। ये तुमने बहुत अच्छा किया, इससे बच्ची को बहुत बड़ा शॉक पहुंच सकता है। वो कमीना मेरी दीदी का खून करके अभी तक फरार है। पिंकी को लेने वो कभी भी आ सकता है, पर मैं चाहती हूँ कि उसको पिंकी से मिलने भी ना दिया जाए। उसके केयर टेकर के जगह पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, तुम्हारे अलावा पिंकी को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। थैंक यू वेरी मच फादर। देखो रितु, जया की मौत का दुख जितना तुम्हें है उतना मुझे भी। हम ये शोज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें शोहरत मिले, नाम हो, पैसा मिले। लेकिन अगर शोज नहीं हुए तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो हॉस्पिटल नहीं बन सकेगा। और हॉस्पिटल का बनना जया का सपना था। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी दीदी का सपना अधूरा रह जाए? नहीं जीजे, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।
रितु जी आज हमारे शहर आ रही हैं हमसे मिलने। रितु जी क्या आपसे मिलने के लिए आएंगी? नहीं तो क्या बाप से मिलने आ रही हैं? सर मेरा बाप हो या मैं हूँ बात तो एक ही है। शायद मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। क्यों साहब गलती क्या हो गई? क्योंकि तुम बातें कम करते हो हिलते ज्यादा हो। मालगाड़ी में पैदा हुए थे। अरे साहब अगर ये मुंडी ना हिलाए तो ना ये उठ सकता ना बैठ सकता ना चल सकता। एग्जैक्ट तो इसका इलाज क्या है? ये ला इलाज बीमारी है मरने के बाद ही जाएगी। साहब एक बुरी खबर लेके आए। मत सुना बुरी खबर सुनते ही मेरा दिल बैठ जाता है। साहब लेकिन ये खबर तो सुननी पड़ेगी। आप यहाँ पर रितु की तस्वीर के साथ चिपके बैठे हैं और वहाँ पर प्लेन लैंड हो चुका है। क्या रितु जी आ चुकी है? Yes! Oh my God, मुझे दुनिया मिल गई है। रितु जी follow me। अरे आ गई। मैडम मुझे आगे जाना तो चलो। हाँ एक मिनट वन मिनट God please। मैं तो आपका फैन हूँ। फैन? जी हाँ मैडम मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। आज तक आपके टीवी के जितने भी शोज हो चुके हैं मैं सब देख चुका हूँ। मेरे हिसाब से आप इस दुनिया की नंबर वन कलाकार हैं। मैडम मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा कि एक दिन मैं आपको देखूंगा आपसे बात कर सकूंगा। वैसे मैडम यहाँ जितने भी ट्रूप जितने भी कलाकार आते हैं सबकी सेवा मैं करता हूँ क्योंकि मुझे देखभाल करने का शौक है। और अगर आपको भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला दीजिए। अरे लेकिन बुलाएंगी कैसे? आपने तो मेरा नाम ही नहीं पूछा। वैसे मेरा नाम जो भी है प्यार से लोग मुझे रॉकी कहते हैं। वेल डन रॉकी वेल डन। तुमने बड़ा कमाल का काम किया। बड़ी हिफाजत के साथ मैडम को बचा गया। जी बस मैं इस होटल का मैनेजर असिस्टेंट कमान रॉकी। जी मैडम थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। भीड़ में से गाड़ी में बिठाया, गाड़ी से होटल में लाया, होटल से रूम में लाया, फिर आप मुझे मिले। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जय जय, हाउ आर यू? ओह हेलो सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
ये रॉकी है। नमस्ते सर। रितु को हिफाजत के साथ एयरपोर्ट से लाने वाला यही रॉकी है। ऑल राइट भाई, हम तुम्हारी दिलेरी से बड़े खुश हुए। थैंक यू सर। लेकिन हमें खुशी नहीं हुई। अरे इंस्पेक्टर साहब, भाई लोग रॉकी, मुझे शक था कि तुम रितु जी को यहाँ किडनैप करके लाओगे। किडनैप करके? हाँ, किडनैप। मैनेजर साहब, तुम भी इनसे मिले हुए, मैं तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। साहब, वो तो अभी आप पालखाने में भूल आए। ऐसा नहीं बोल सकते। आप इनको अरेस्ट क्यों करना चाहते हैं? आई मीन किडनैपिंग केस में एयरपोर्ट पर मेरी ड्यूटी थी, मैं वहां लेट क्या पहुंचा, मौका देखकर तुमने रितु को किडनैप करके उठा के आया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, रितु आपके बारे में इतनी तारीफ कर रही थी, इतनी तारीफ कर रही थी कि मुझे तो लगा जैसे कि उनको आपसे आपसे हे कमिश्नर, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आगे क्या बोल रहे थे आप? इंस्पेक्टर साहब, ऐसी बातें मैं आपको कैसे बताऊं? आप समझ जाइए ना। रॉकी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं कर सकता। हैं? अगर एयरपोर्ट पर रितु को कुछ हो जाता तो इसके जिम्मेदार तुम होते। अलर साहेब, साहेब मत चिल्लाइए, आपकी वर्दी उतर जाएगी। मैडम, रॉकी मैडम, मैं हूँ रॉकी मैडम। अब क्या बात है? मैडम, कुछ लोगों ने मेरी इज्जत को ललकारा है। वो कहते हैं कि तुम मैडम से ऑटोग्राफ नहीं ले सकते। अरे मैंने उनसे कहा कि मेरी मैडम तो बहुत अच्छी है, मुझे ऑटोग्राफ तो जरूर देंगी। ला ऑटोग्राफ देते। मैंने कहा था ना कि आप बहुत अच्छी है। पेपर? मैडम हाथ पर ही दे दीजिए, उनके सामने रॉकी की शान बढ़ जाएगी। ठीक है। ये लीजिए मैडम, आप सचमुच बहुत अच्छी है मैडम, आई स्वेयर। रॉकी, 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 एक बात बता, मैडम ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था? हाँ। हैं? कैसा लगा? मैडम ने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे ऐसे लगा जैसे कि समय थम गया हो। और फिर चारों तरफ शहनाई बज उठी। शहनाई बज उठी? और फिर मैडम ने मेरी आंखों में देखा। क्या देखा? क्या देखा? और मैंने मैडम की आंखों में देखा। क्या देखा? क्या देखा? इंडिया हुआ। हम थे वो थी हम थे कसम से। अरे रूम के अंदर टक्कर हो गई एक स्वीट 16 से। वो थी हम थे कसम से। अरे रूम के अंदर टक्कर हो गई एक स्वीट 16 से। वो थी हम थे कसम से। अरे रूम के अंदर टक्कर हो गई एक स्वीट 16 से। ला 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 ले लिया ओ लिया लिया रे ओ ले लिया रे दिल उसने ले लिया। जैसा हैंडसम जिंदगी में आए रे तुम जो मिले जो
मन्नू तेरा हुआ, अब मेरा क्या होगा? हम थे कसम से, हर रूम के अंदर टक्कर हो गई एक स्वीट सिक्सटीन से। आहो 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 आहो, ये हुआ, मेरा क्या होगा? कसम से, हर रूम के अंदर टक्कर हो गई एक स्वीट सिक्सटीन से। ला 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 ले लिया, ओ लिया लिया रे, ओ ले लिया रे, दिल उसने ले लिया। As I said, you follow the instructions properly. Hello! Hey! Hello! क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? अभी मालूम हो जाएगा, अंदर होने के लिए तैयार हो जाओ। किस जुर्म में? मेरा कसूर क्या है? कसूर क्या है? का नाम गाड़ी से लेके आज तक तुम्हारी बीच में बोलने की आदत नहीं है। देखी मन्नू, तेरा हुआ, अब मेरा क्या होगा रे? क्या होगा? अब मैं बताऊँ क्या होगा तेरा? क्या होगा? बता बताओ बताओ। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये तो इनका बहुत पुराना डायलॉग है। अच्छा। यस सर। हथकड़ी कहाँ है? टेबल पर। टेबल कहाँ है? खाने में। खाना कहाँ है? बहुत दूर सर। मैनेजर, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि थाना यहाँ से बहुत दूर, वरना बुढ़ापे का ख्याल कीजिए और लड़कियों के पीछे भागना छोड़ दीजिए। मन्नू तेरा हुआ, अब मेरा क्या होगा? मन्नू चलो, जाता हूँ। थैंक यू, फिर मिलेंगे। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ओहो, पुलिस से बोलता मिलेंगे। चिल्लाइए मत, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हाँ। फॉलो मी। ठहरे। ये अगला शो तो हमें मेरे ख्याल से ओपन एयर स्टेडियम में रखना चाहिए। ओपन एयर में शो कैसे होगा? देखिए आपको सोलो करना। नहीं नहीं नहीं, आप सोलो से इतना घबराते क्यों हैं? व्हाट्स द प्रॉब्लम? नहीं तुम्हें करना होगा। ए राकेश, हाउ आर यू? ये मैनेजर साहब राकेश है, हमारे साथ शोज करते हैं। हेलो, ओह सो प्लीज्ड टू मीट यू, कैरी ऑन। हां जी, थैंक यू। अरे यार, हम लोग एयरपोर्ट पे उतरे तो हंगामा हो गया। क्या हुआ? पब्लिक ने रितु को घेर लिया, पुलिस ने हाथ खड़े कर लिए। वो तो रॉकी ने रितु की जान बचाई। वरना रॉकी कौन? रॉकी? अरे बड़ा कमाल का लड़का है राकेश साहब, उसे किसी खतरे से डर नहीं लगता। हाँ, और रितु भी उससे बहुत खुश है। देखा जाए तो उसने अपनी जान पे खेल कर रितु की जान बचाई। एग्जैक्टली। आप लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, जरा हम भी तो देखें आखिर वो है कौन। वो मेरा नाम है रॉकी। नाइस टू मीट यू सर, नाइस टू मीट यू। मैंने आप लोग का हर प्रोग्राम टीवी पर देखा है, वैसे मैं आप लोग का भी फैन हूँ। दैट्स अ प्लेजर। हाँ, तुम काम क्या करते हो? सर वैसे तो मैं बेकार हूँ,
लेकिन मुझे बचपन से गाने बजाने का बहुत शौक है। अगर आप लोग मुझे कुछ काम दे दे तो रॉकी की लाइफ बन जाएगी सर। अरे भाई लाइफ भी तुम्हारी बना देंगे, क्यों क्या ख्याल? थैंक यू वेरी मच सर, मजा आ गया सर। वैसे कलाकारों की सेवा करने में रॉकी को बहुत मजा आता है। ओके सी यू लेटर सर। स्मार्ट बॉय। एग्जैक्टली। काय झाला साहब, ये तो अपना रॉकी है। मुझे मालूम है सर, पायलट। मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? टपक के, और जो टपक ना जानता है वो टपकाना भी जानता है। हवलदार ये बहुत अकड़ के बात कर रहा है। हथकड़ी कहाँ है? साहब कल शाम को वो कबाड़ी की दुकान पर बैठी ना। अरे इंस्पेक्टर भाई, मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ, मैं तो आपका दोस्त हूँ, आपका यार हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो रॉकी, मुझे तुम पर शक है। किस बात का शक है इंस्पेक्टर साहब? तुमने ऋतु जी का ऑटोग्राफ अपने हाथ पर लिया। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब एक मजे की बात बताऊं। क्या? ऋतु ने मेरे हाथ पर आपका नाम लिखा। कसम से। ये कहाँ गया? अरे वो तो फूट गया। लेकिन साहब उधर देखिए ऋतु जी आ रही है। हेलो, क्या बात है? ये हमारे इंस्पेक्टर जॉनी है, आपकी देखभाल की ड्यूटी भी इन्हीं की है। लेकिन इनको ये सब क्या हो रहा है? वो क्या, इनको कभी कभी दौरा पड़ जाता है, सांस फूलने लगती है, ये आपे से बाहर हो जाते हैं, लेकिन ये आप ही को मिलने आए थे। लेकिन ये तो कुछ बोलते ही नहीं। वो क्या, इनको होश में लाने के लिए ना जूता सुंघाना पड़ता है। ओनो, तब तो काफी देर लगी। हाँ। मुझे क्या है, रिहर्सल के लिए देर हो रही है, मैं जाती हूँ। ओके बाय। बाय मैडम, बाय बाय। अबे ओए, चली गई चली गई। हवलदार, मैं सब सुन रहा था, रितु जी के सामने तुम मुझे जूता सुंघाओगे? साहब मैं समझा वो आपको मिर्गी का दौरा पड़ा। ये रितु जी कहाँ गई? शट अप बोला था ना, नहीं बताऊंगा। हवलदार मैं पूछ रहा हूँ, रितु जी कहाँ गई? नहीं बताऊंगा। हवलदार जिद नहीं करते, नहीं, रितु जी कहाँ है? नहीं बताऊंगा। रितु जी ओके, फॉलो मी। डॉलर। मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो ना। मैं, अरे राकेश जी हम भी तो सुने आपको क्या कहना है। राकेश। अरे साहब तो यूं ही नाराज हो गए। शट अप। मैडम तुम्हें इतनी तमीज नहीं कि जब दो दोस्त बात कर रहे हो तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए? गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। शट अप शट अप। ओके मैं हूँ आशिक, आशिक आवारा। सर 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 एक मिनट सर सर सर, आप बुरा मान गए ना सर? सर बुरा क्यों मान गए? सर मैं तो रितु जी को इसलिए मिलने गया था क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा फैन हूँ, वो इतनी बड़ी रॉकस्टार है। वैसे सर आप भी इतने बड़े रॉकस्टार हैं, मैं आपका भी फैन हूँ सर। सर देखिए ना, रितु जी ने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया, अगर आप भी वैसे कर ले तो सर सर रॉकी की लाइफ बन जाएगी सर। सर प्लीज सर। फिकर मत करो रॉकी, हम अपना हाथ तुम्हारे सर पर जरूर रखेंगे। थैंक यू सर। अरे सर 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 आप तो जानते मुझे नाचने और गाने का कितना शौक है सर, अगर मुझे एक चांस मिल जाए ना, बस एक चांस सर, आई प्रॉमिस एक ही चांस। शो होने वाला है, लगता है तुझे नाचने का बहुत शौक है। नचाऊंगा रॉकी, नचाऊंगा। थैंक यू सर सर, थैंक यू सर। O'clock, 2 o'clock, rock around the clock. 3 o'clock, 4 o'clock, rock around the clock. 5 o'clock, 6 o'clock, rock around the clock. 7 o'clock, 8 o'clock, rock around the clock. 9 o'clock, 10 o'clock, rock around the clock. 11 o'clock, 12 o'clock, time to freak out. Right.
gang, I don't need to boast. I come to nice up the east, west, north and south. I'm like Mickey Mouse, I come to take down the house. Like Donald Duck, I don't give a quack. I hip hop, hippity hop. I boom shakadak, boom shakadak, tak. Boom shakadak, boom shakadak, tak. Boom shakadak, don't take that crap. O'clock, हम डिस्को चलेंगे. 11 o'clock, हम डांस करेंगे. अरे 12 o'clock, रोमांस करेंगे. Lights off. दिल लेंगे, दिल दे देंगे, प्यार करेंगे, करार करेंगे. जो दिल चाहे हम वो भी करेंगे. We are freelancers, we are rock dancers. We are freelancers, we are rock dancers. I don't need to boast. I come to nice up the east, west, north and south. I'm like Mickey Mouse. I come to take down the house like Donald Duck. I don't give a quack. I hip hop, hippity hop. Boom shakadak, boom shakadak, tak. Boom shakadak, boom shakadak, tak. Boom shakadak, don't take that crap. Yeah.
रात को सारी दुकानें खुली। मेरे बाप का क्या जाता है। भाई साहब एक ठंडा पिला देंगे आप? क्यों नहीं फर्स्ट क्लास, अभी लो। अल्लाह लल्ला लल्ला, ये लो भाई साहब। अरे थैंक यू। मेरी को दिस तो थंडर। अबे सालों, इतने सारे मुस्टंडे मिलकर एक छोकरे को मार रहे हो? हाँ तेरे को भी दिखाते हैं। साले कौन थे वो लोग? पता नहीं कौन थे वो लोग, लेकिन आज रॉकी को ऐसे पहली बार लगा है कि उसके भी कोई दुश्मन है। फिर तो तुम्हें और भी होशियार रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग तुम्हारी जान भी ले सकते थे। जो लोग जान हथेली पर लेकर घूमते हैं उनको मौत से क्या डर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। रॉकी कहाँ है? वो आए नहीं मैडम। क्यों? आपको पता नहीं मैडम? नहीं, क्यों क्या हुआ? कल रात कुछ गुंडों ने उस पे हमला कर दिया था। क्या? बच तो गया लेकिन काफी चोट आई है उसे। कहाँ है वो? वो अपने घर पर है। मैडम आप, वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है कभी हम उनको तो कभी हम घर को देखते हैं। हाँ मैडम, आपको ही आने की क्या जरूरत थी? मुझे किसी को भेज देते, मैं खुद ही हाजिर हो जाता। क्यों, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? नहीं ऐसी बात नहीं मैडम, मेरा घर बहुत छोटा है और आप मैडम इतनी बड़ी सुपरस्टार। ये क्या मैडम मैडम लगा रखा है? अच्छा एक बात तो बताओ, वो लोग कौन थे जिन्होंने तुम पे कल हमला किया? पता नहीं कौन थे साले गुंडे, लेकिन मैंने भी उनको ऐसा सबक सिखाया कि वो लोग इस जन्म में तो क्या अपने अगले जन्म में भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैडम। अच्छा मुझे शहर की सैर करा दो। अरे क्यों नहीं, मैं दो मिनट में चेंज कर लेता हूँ। लेकिन लोगों की भीड़ में मुझे सब पहचान जाते हैं। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, लेकिन आपको भी काम करना पड़ेगा। मैडम देखिए बात ऐसी है कि इन कपड़ों में तो आपको सारी दुनिया पहचानती है, लेकिन आप एक अच्छी सी प्यारी सी साड़ी पहन ले तो ये दुनिया तो क्या, मैं भी चक्कर खा जाऊंगा। आपके पास साड़ी है मैडम? कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। मुझे पता था आपके पास साड़ी होगी नहीं, तो इसलिए ये लीजिए एक अच्छी सी साड़ी। अरे ये तो वाकई बहुत ही सुंदर साड़ी है।
जी, ये मेरी माँ की साड़ी है। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि अगर उनकी बहू ये साड़ी पहन ले तो लेकिन आप तो मैडम सारे गमा पधनी, यू आर माय सजनी, आई एम योर दीवाना, यू आर माय दीवानी। सारे गमा पधनी, आई एम योर सजनी, यू आर माय दीवाना, आई एम योर दीवानी। लेट्स सिंग टुगेदर, लेट्स डांस टुगेदर, लेट्स सिंग टुगेदर, लेट्स डांस टुगेदर, लेट्स सिंग टुगेदर। You are my sajani, you're my divana, I'm your divani. Ye to kaho darling, love hua kab se? बाल है तेरी क्या चाल है तेरा क्या फेस है तेरा क्या ग्रेस है इज माय फ्यूचर ब्राइट यस डार्लिंग ऑलराइट वाह क्या सीन है Baby, 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 baby
feel it. वाह क्या सीन है, अभी बताता हूँ क्या सीन है। अरे भाई साहब मैं डांस मास्टर हूँ। तुमने फिल्म जंगली में हंगामा किया, मैंने कुछ नहीं कहा। फिल्म प्रोफेसर में तुमने नकली मेकअप लगाकर बूढ़े का मेकअप लगाकर ललित पवार को धोखा दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। फिल्मों में उल्टे सीधे गाने गाकर खूबसूरत लड़कियों को फंसाया, मैंने उस पर भी एतराज नहीं किया। लेकिन रीतु जी पे अगर तुमने कोई सीन फिट करने की कोशिश की। मैंने कहा ना मैं डांस मास्टर हूँ, लोगों को डांस कराता हूँ मैं, कहो तो तुम तीनों को भी नचा दूं। क्यों? एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। यस सर। हाथ कड़ी कहाँ है? सर वो इस्तेमाल ना करने की वजह से जो जंग लग गया था उसकी पॉलिश के लिए दी है। तुम क्या चाहते मैंने छोड़ दूं? बेहतर यही होगा कि छोड़ दीजिए, साइज देखिए वैसे भी हथकड़ी फिट नहीं होगी। ठीक है डांस मास्टर, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बाद में समझ लूंगा। एक दिन मैं तुम तीनों को भी समझ लूंगा। जी हाँ सर, कहीं एक दिन रीतु के चक्कर में आप उल्टे ना लटक जाएं। शराब। ठीक है, फॉलो मी। ए यू फॉलो मी। इसको सस्पेंड कर दूंगा या फिर मैं नौकरी छोड़ दूंगा, कोई इज्जत ही नहीं यार। हल्ला जी सीनियर है ना, सीनियर। तो फिर आज शाम को मेरे साथ खाना खाओगी? एक्सक्यूज मी मैडम, आपका फोन। हेलो रितु, मैं राज बोल रहा हूँ। राज? कौन राज? अरे राज मल्होत्रा, तुम्हारा जीजा। राज मल्होत्रा? मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, तुम मेरे दीदी के कातिल हो। रितु तुम गलत समझ रही हो, मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है और वक्त बहुत कम है। तुम एक काम करो, इसी वक्त तुम लैंडमार्क पे आ जाओ। क्या कहा? लैंडमार्क? हाँ लैंडमार्क। हेलो हेलो हेलो, मैं जानता हूँ लैंडमार्क कहाँ है, चलो। हमेशा समझा था कि मैं ही तुम्हारी दीदी का कातिल हूं, है ना?
दरअसल सभी ने मुझे गलत समझा था, मगर रितु मैं तुम्हारी दीदी को बहुत ही प्यार करता था, बहुत ही प्यार करता था। कातिल अब बोलो राज प्लीज। अब कातिल तुम्हारी जान के पीछे, उसका नाम बता दो से बचना। हाँ, हाँ, बोलो प्लीज राज प्लीज। कातिल एक बार उसका नाम बता दो राज प्लीज। कातिल राज मैं नहीं राज। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने तुम्हारे विल के सारे कागजात तैयार कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन साइन करने से पहले एक बार फिर सोच लो। नहीं वकील साहब, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी सारी जायदाद अब पिंकी के नाम ही करूंगी। आखिर तुम ऐसे क्यों करना चाहती हो? इसीलिए वकील साहब, क्योंकि मेरी मौत अब किसी भी वक्त हो सकती है। देखो रितु, तुम ऐसे क्यों सोचती हो कि तुम्हें कोई मार डालेगा, और क्यों मारना चाहेगा? ये तो मुझे भी नहीं पता। पहले शकराज पे था, लेकिन अब उसको भी मार दिया गया है। कातिल जो भी है वकील साहब, उसने अपने चेहरे पर ऐसा नकाब डाल रखा है कि वो तो मुझे देख सकता है, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं सकती। ठीक है, तुम इन कागजात पे साइन कर दो, बाकी कानूनी कार्रवाई मैं खुद कर लूंगा। लेकिन साइन करने से पहले एक बार पढ़ तो लो। क्या बात करें वकील साहब, आप पर तो मुझे पूरा भरोसा है। रितु ने अपनी सारी जायदाद पिंकी के नाम कर दी है। अच्छा है, चेक अनाड़ी हो। हम अनाड़ी और आप बहुत बड़े खिलाड़ी। अपना चेक बचाइए। मैं तो बच गया, मगर तुम्हारा बचना मुश्किल है। क्या मतलब? तुम रितु से प्यार करते हो और रितु रॉकी से, इसमें आपको क्या परेशानी है? परेशानी तो तुम्हें थी राकेश, रितु की बड़ी बहन जया तुम्हें पसंद नहीं करती थी और उसका खून हो गया। सबने समझा कि राज ने उसका खून किया है, मगर राज भी हटा दिया गया। अब सवाल यह है कि राज का खून किसने किया? मैं जानता हूं जेजे, कातिल हम में से ही कोई है। कौन है वो? आप तो ऐसे डर गए जैसे कातिल आप खुद ही हैं। चेक एंड मेट। मुझे तो इस जगह पर भी शक हो रहा है। हथकड़ी आपके पास है ना? हथकड़ी मैं रखता हूँ। सॉरी सर, फॉलो मी। यस फॉलो। तो मिस्टर राकेश एंड मिस्टर जे जे, आप लोगों को शायद इन्फॉर्मेशन मिली गई होगी। किस बात? जिस स्टेडियम में आप लोग शो करने वाले हो, कल रात वहां एक बम मिला था। What? बम? Oh God! वहां बम किसने रखा? मैंने नहीं रखा। ये आपको क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? सांप को कभी कभी ऐसे दौरे पड़ते हैं। अपनी बीमारी का इलाज करवाइए इंस्पेक्टर। हवलदार जी,
हम यहाँ पर क्यों आए? सर इन्हें ये बताने के लिए कि इन्हें ये शो पोस्टपोन करना पड़ेगा। ठीक है, हम भी कैसे कसम का रिस्क नहीं लेना चाहते। होल्डर, हमें सहारा दो। चले 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 चलो 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 चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, इनको क्या हो गया? दौरा। चलिए। हेलो सर। हाय। बड़ा अजीब इंस्पेक्टर है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। भला स्टेडियम में कोई बम क्यों लगाएगा? क्यों के जवाब तो कई हो सकते हैं। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि अगर शो पोस्टपोन ही हो गया है तो क्यों ना दो दिन मैं पिंकी से ही मिला। वेरी गुड आइडिया मैडम। रॉकी आपकी सेवा में हाजिर है। मैं भी चलूंगा आपके साथ पिंकी को मिलने। रियली रियली तुम चलोगे मेरे साथ? अरे डेफिनेटली। फादर, कैन आई कम इन प्लीज? रितु, कम इन, कम इन, कम इन प्लीज। फादर, ये है रॉकी। नमस्ते। हेलो, प्लीज। अच्छा हुआ तुम आ गई, कल ही पिंकी का पिता भी आया था। क्या बात कर रहे हैं फादर? पिंकी के डैडी तो मर चुके हैं। मर चुका है? पर रितु, उसने अपना नाम राज मल्होत्रा बताया। लेकिन फादर, राज मल्होत्रा की मौत तो हमारे सामने हुई थी। तो फिर वो कौन था? क्या वो पिंकी से मिला था फादर? नहीं, मैंने उसे मिलने नहीं दिया, क्योंकि तुम मुझे बता चुकी थी कि वो तुम्हारे सिस्टर का कातिल है। मैंने पुलिस को फोन लगाया, लेकिन उनके आने के पहले वो भाग गया। फादर, क्या मैं पिंकी को अपने साथ ले जा सकती हूँ? क्यों नहीं, तुम यहाँ साइन करो। ओके। मैं सारे अरेंजमेंट्स करता हूँ। कुछ समझ में नहीं आता रॉकी, राज यहाँ कैसे आ सकता है? रितु, मुझे लगता है जरूर कोई दूसरा आदमी राज मल्होत्रा बनकर आया होगा। कौन हो सकता है? सर, वो अपने जेजे साहब कमरे में नहीं है। जेजे कमरे में नहीं? जी सर। तो राकेश को बुला लो। बट सर, राकेश ही भी नहीं है अपने कमरे में। राकेश भी नहीं है? जी। माय गॉड, कहाँ चले गए सब? क्या हुआ? पता नहीं, मैं देख कर आता हूँ। यार। क्या हुआ भाई साहब? ब्लास्ट हो गया साहब। ब्लास्ट? हाँ साहब, करने वाले तो भाग जाते हैं, परेशानी हम लोगों को होती है। अब एक दो दिन तक ये रास्ता ही नहीं खुलेगा। तो अब क्या करें? करना क्या है, अब बाजू में एक होटल है, वहीं ठहरना पड़ेगा। भूख लग रही बेटा? क्या हुआ? सर, ये आपके दूसरे रूम की चाबी। थैंक यू। थैंक यू अंकल। आपने दो रूम क्यों बुक किए हैं? एक आप लोग के लिए और एक मेरे लिए। क्यों, आप हमारे साथ नहीं रह सकते? ओह माय गॉड, ये तो मैं भूल ही गया। वैसे इतने पैसे वेस्ट करने की क्या जरूरत है? अब तुम जाओ अपने कमरे में, मुझे नहाना है। तो साथ में नहा लेते हैं। Shut up. आप क्यों हंस रही है? आप इतने बड़े होकर साथ में नहाएंगे? हाँ, तो क्या हुआ, मैं इनकी पीठ पर साबुन डालूंगा, ये मेरी पीठ पर साबुन डालेंगी, फिर मैं इनके हाथ में। What nonsense, तुम यूं नहीं मानोगे। अरे कमाल, अरे पिंकी समझाओ ना, पिंकी गेट आउट। अरे तू, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं डालनी चाहिए। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे पिंकी, मैं बोलता पिंकी की बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है पिंकी। बाय अंकल। हेलो। हेलो रितु, क्या है? मैं तो एक बात कहना ही भूल गया, तुम इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम बोल कैसे रहे हो? बिल्कुल तुम्हारे करीब से। घबराओ मत, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। आ,
रितु, I love you. Shut up. मैं एक बार और कह दो ना प्लीज। पिंकी कहाँ है? मेरे रूम में। मैं भी जा रही हूँ फिर। तो तेज हवाओं की बुनियाद है तूफान पर, या तुम न हंसी होते या हम न जवा होते। मैडम, अरे रॉकडाल सर, रितु जी, आप क्या खाएंगी? चिकन फ्राई, फिश फ्राई, चिकन मसाला? नहीं सर, आप ऑर्डर दीजिए। आप समोसा खाएंगे सर? मसाला डोसा? नहीं। मैं जब से बोले जा रहा हूं आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मेरे को भाव ही नहीं दे रहे। अगर आप ऋतु जी रॉक डांसर हैं तो मैं भी मिथुन चक्रवर्ती का बाप हूं, बाप बाप हूं, बाप। या चिकन फ्राई, वरना इधर ही फ्राई कर दूंगा तुझे। मेरे ख्याल से आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ये चिकन चिली है, शोले में चांस क्या मिल गया? महबूबा महबूबा, ऐसे हर जगह भौंकना शुरू कर दिया। ये मामला तुझे भारी पड़ेगा मिस्टर। कौन सा मामला इंस्पेक्टर? रितु जी का। तुम्हें मालूम नहीं रितु जी के साथ मेरा क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? रितु जी इनसे नफरत करती हैं। सॉरी सॉरी सर, मैं उल्टा बोल गया, सीधा बोलो। हाँ, रितु जी इनसे प्यार करती हैं और इनसे शादी करने वाली हैं। क्यों सेवानंद? क्यों तेरी मुंडी हिलना बंद क्यों है? हिलना। मुझे तुम तीनों पागल लगते हो। पागल बोला? हवलदार। यस सर। हाथ कड़े कहाँ है सर? वो तो कल रात थाने से चोरी हो गई।
चोर अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? चोर तो पकड़ा गया, हथकड़ी नहीं मिली। क्यों? वो पागल है, पूछो तो पत्थर मारता है। अभी तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन आइंदा ऋतु जी की तरफ नजर भी उठाकर देखा तो ये आंखें निकाल के हाथ में डालूंगा, समझे? चल यहां से, चलो। डर के चला गया, अब ये ऋतु जी को नहीं छेड़ेगा। नहीं छेड़ेगा बिल्कुल नहीं। ओके, फॉलो मी। यस गुड। आर फॉर रॉकी। नहीं, आर फॉर ऋतु। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। काश हम दोनों ना मिले होते। क्यों? तुम्हें तो सिर्फ कलाकारों की सेवा करने में मजा आता है ना। कल मैं चली जाऊंगी तो कोई और आ जाएगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ये दुनिया है रॉकी, यहां दो अजनबी मुसाफिर बनकर मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं, सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। लेकिन जब दो मुसाफिर हम सफर बन जाते हैं तब वो कभी नहीं बिछड़ते। ऋतु, अब हम मुसाफिर नहीं, हम सफर हैं। सच? हाँ। आई लव यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाई स्वीटी पाई, मैं बोट क्लब का मैनेजर हूँ। हाय, आई एम रॉकी और ये है रितु जी। रितु जी को कौन नहीं जानता, हमें जानकर बड़ी खुशी हुई कि रितु जी यहाँ पे आई हैं। सर, हमने एक नया बोट खरीदा है और हम चाहते हैं उस बोट का इनॉग्रेशन इनसे करवाएं। रितु जी के आने से हमारे क्लब की शान बढ़ जाएगी। प्लीज ना मत कहिए, प्लीज। ठीक है, हम लोग जरूर आएंगे, लेकिन आना कितने बजे होगा? आज शाम 4 बजे। मेरा अभी आप ही का नाम है ना? हाँ, आप ही का है। मैं आता हूँ। मैडम आप चलिए, उनको आने दीजिए ना, यहाँ पे लोग खा रहा परेशान करें। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो इडियट। आइए चलिए ना, मुझे बोट में बैठना है। ठीक तो करी, आइए। लगता है इंजन में कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं देखता हूँ। ये कहाँ? ओह नो, अब ये नहीं चले। आप घबराइए मत, मैं किनारे जाके एक दूसरा बोट।
रितु प्लीज सोचने की कोशिश करो, ऐसा कौन सा आदमी है जो तुम्हें मारना चाहता है? अच्छा ऐसा कौन सा इंसान है जिसे तुम्हारी मौत से फायदा हो? मैं नहीं जानती रॉकी, जिंदगी में मैंने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आंटी को छोड़ के आई। छोड़ कर आई हो? बहुत अच्छा। अंकल मुझे कहानी सुनाओ ना। कहानी सुनोगी? दबाने की कोशिश मत करो राकेश, तुमने ही बोट क्लब के मैनेजर को भेजा हमें मारने के लिए, लेकिन तुम नाकाम रहे। फिर जब रितु कमरे में अकेली थी तुमने फिर उसे मारने की कोशिश की। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं रितु को मारने की कोशिश क्यों करूंगा? इसलिए क्योंकि रितु ने तुम्हारे प्यार को ठुकराया है। राकेश ये क्या कर रहे हो? राकेश पागल हो गया, ये तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया है, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ये इल्जाम नहीं हकीकत है राकेश,
तुम्हारा मफलर मुझे रितु के कमरे में मिला है। रॉकी ठीक कह रहा है राकेश। क्या एक शक्ल के दो इंसान नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? तो एक ही तरह के दो मफलर क्यों नहीं हो सकते? राकेश जिंदगी में एक बात याद रखना रितु, दोस्त दोस्तों की जान बचाते हैं लेते नहीं। रितु तुम्हारी विल के मुताबिक तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी पिंकी के नाम कर दी गई है। इस शो के बाद रॉक डांसर्स टीम के फंड में तकरीबन 15 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे और इन पैसों से गरीबों के लिए अस्पताल बनना है। हाँ वकील साहब, यही मेरी दीदी का सपना था। लेकिन ये फैसला तुम तीनों को मिलकर करना होगा। वकील साहब, ये शोज हमने इसी मकसद के लिए किए हैं। तुम्हारी भी यही राय है? जब इन दोनों ने सोच ही लिया है तो फिर हॉस्पिटल बनाने के लिए एक ट्रस्ट बना लेते हैं। मैं पेपर तैयार कर लेता हूं, लेकिन इन पेपर्स पे आप तीनों के सिग्नेचर्स बहुत जरूरी है। ठीक है वकील साहब, आप पेपर्स तैयार रखिए। विल टेक योर लीव। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय, थैंक यू। मुझे पहचाना, मैं हूं तुम्हारी मौत। आज तक तुम मुझसे बचती रही, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी की रेखा मिट चुकी है। आखिर कौन हो तुम, क्या चाहते हो? कल का शो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी शो होगा। कल शो में लोग तुम्हारी मौत का तमाशा देखेंगे। पहचाना, मैं हूं तुम्हारी मौत। आज तक तुम मुझसे बचती रही, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी की रेखा मिट चुकी है। कल का शो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी शो होगा। कल शो में लोग तुम्हारी मौत का तमाशा देखेंगे। मुबारक हो इंस्पेक्टर रॉकी। थैंक यू सर। शिकार खुद जाल में फंसने आ रहा है। मुझे लगता है ये उसकी कोई चाल है। नहीं रॉन्ग, मुजरिम जब नाकामी की दीवार से बार बार टकराता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, अकल उसका साथ छोड़ देती है। लेकिन सर उसने रितु को क्यों फोन किया? ये तो वही मिसाल हुई आबेल मुझे मार। सर जब एक मुजरिम अपने जुर्म पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगता है तब वो ऐसी ही गलती करता है। वेरी गुड, हम स्टेडियम को चारों तरफ से सील कर देंगे। कातिल आएगा और पकड़ा जाएगा और इस कामयाबी का चेहरा तुम्हारे सर होगा इंस्पेक्टर रॉकी। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशंस इंस्पेक्टर रॉकी। रितु तुम्हें कोई गलतफहमी हुई? गलतफहमी थी लेकिन अब दूर हो चुकी है। एक कातिल को पकड़ने के लिए तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, अपनी तरक्की के लिए मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया। रितु मेरी बात तो सुनो। बस, जिस कातिल की तुम्हें तलाश है ना रॉकी,
उससे बड़े कातिल तो तुम खुद हो। इंस्पेक्टर रॉकी, मैं जानता हूं कि तुम रीतु से प्यार करते हो, लेकिन तुम एक सीबीआई के ऑफिसर हो और आज तुम्हारे लिए फर्ज और प्यार दोनों का इम्तिहान है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, मगर इस मिशन के इंस्ट्रक्शंस तुम दोगे, करेक्ट सर? दोस्त, मेरी जिंदगी एक बहुत बड़ी कश्मकश में फंस गई है। मुझे ऐसा लगता है कि फर्ज के सामने मैं मोहब्बत की बाजी हार जाऊंगा। बाजी हारना नहीं चाहता और फर्ज निभाना चाहता हूं। मेरे दिमाग में एक प्लान है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं तैयार हूं, बोल क्या बात है? हेलो, कमिश्नर स्पीकिंग। हेलो सर, समंता फॉक्स और गोविंदा आ रहे हैं। समंता फॉक्स और गोविंदा, सिक्योरिटी का बंदोबस्त करो स्टेडियम में। श्योर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हवलदार, यस सर। समंता फॉक्स आ रही है। हाँ, सुनो गोविंदा, ख्याल रखना, समंता फॉक्स का खासतौर पर ख्याल रखना, हमारी मेहमान है, कोई तकलीफ नहीं। हेलो सर, समझा कि नहीं? बिल्कुल। क्यों इंस्पेक्टर, तुम तो मेरा चिकन फ्राई बनाने वाले थे, हैं? मेरी आंखें फोड़ देने वाले थे। मैं खुद फ्राई हो गया हूँ, मैं अंधा हो गया था सर, मुझे पता नहीं था सर, मुझे मुझे माफ कीजिए सर। जाओ अपनी ड्यूटी करो। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू। मन्नू, अब तेरा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। सर, मेरी वर्दी पर रहम खाइए, बच्चे हैं मेरे, माफ कीजिए सर। इंस्पेक्टर, यू आर ऑन ड्यूटी। यस सर, गो अहेड। थैंक यू सर। हवलदार, यस सर, सुबह सुबह पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी मैंने, यस सर, दो बार वर्दी उतरते उतरते बच गई। साहब, साहब ने तीसरी मंजिल। तो क्या हुआ? क्या बात है याहू बॉय, लोटन कबूतर की तरह कांप क्यों रहे हो? वाह, क्या सीन है, है? पूरा सीन टेढ़ा है सर, मुझे माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था मेरी वर्दी। माफ किया, ऑफिसर, यू आर ऑन ड्यूटी, गो एंड डू योर जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे वाह वाह वाह, माफ कर दिया, फॉलो मी। चुटकी मारता है, एक तो मेरा टाइम खराब है, चुटकी मार रहा है, जान से मार डालूंगा तुझे। ओके सॉरी सर, फॉलो मी। ऐसा प्यार से बोल, फॉलो मी, चल जल्दी जल्दी, बहुत बोलते रहते। अरे गोविंदा साहब, गोविंदा साहब, गोविंदा साहब, नमस्ते साहब। मेरा भी ले। आप वाकई गोविंदा हैं? कोई शक है आपको? नहीं नहीं, ऐसी बात है, पुलिस वाले हम लोग हमेशा शक करते रहते हैं, अपने बाप को भी नहीं छोड़ते हम लोग, शक करते हैं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अच्छा। मैंने आपकी आंखें देखी, हत्या देखी, राजा बाबू देखी, मरते दम तक देखी, मरते दम तक देखता रहूंगा साहब। कहाँ जा रहे हैं आप, शूटिंग में जा रहे हैं? नहीं, मैं वो समंता फॉक्स को मिलने जा रहा हूँ। लगता है समंता फॉक्स सर्विस का कुछ चक्कर चल रहा है। थैंक गॉड इसने रितु का नाम नहीं लिया। नहीं। Yes, sir. I will follow you. Come on. Govinda, Samantha, Fox, Rithu, Rithu. Rithu, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, सारी सिक्योरिटी अलर्ट है। तुम्हें मेरी जान की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब जिंदगी और मौत मेरे लिए एक बराबर है। रितु, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते तुम्हारी जान की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। फर्ज निभाने का अगर इतना ही शौक है तो मेरी मौत के बाद पिंकी का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि मेरे बाद इस दुनिया में पिंकी का और कोई नहीं है। Thank you.
जाने मन तुमसे मिलने का बना लिया प्रोग्राम, सोचा था बंबई पहुंच जाऊंगा होते शाम, इतने में ही स्टेशन आया मैं कितना था खुश, भीड़ बहुत थी एक दूजे को लोग कर रहे पुश, बाहर आया तो देखा सामान मेरा था गोल, दौड़ा तो टकराया सामने था इलेक्ट्रिक पोल, आई एम सॉरी सॉरी मैडम आई एम लेट लेट ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम, रास्ते में फिर टैक्सी पकड़ी, टैक्सी वाला बोला कहाँ पे जाना है ये मिस्टर, कहकर डोर को खोला, फोन का नंबर याद था मुझको मैंने फोन लगाया, फोन तेरा एंगेज था कितना फोन पटक में आया, टायर पंचर हो गया टूटा टैक्सी का गेट, इतनी भीड़ थी इसीलिए मैं हो गया जिलेट, आई एम सॉरी सॉरी मैडम आई एम लेट लेट ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम, तैसे घर में पहुंचा बिजली सी है गिरी, तेरा सर्वेंट बोला मैडम अभी गई दिल्ली, बहुत पसीना माथे का मैं दौड़ा एयरपोर्ट, पैसेंजर ने लिफ्ट मुझे दे करके किया सपोर्ट, हाँ रहा था मैं खिड़की से मैंने किया नजारा, दिल्ली के ही लिए उड़ रहा था वो प्लेन तुम्हारा, आई एम सॉरी सॉरी मैडम आई एम लेट लेट ट्रैफिक जैम, 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 You cheater, you cheater, you liar, divana jana. Oi kuye, oi sweetie, mere paas tu aana aana aana. Oi kuye, oi sweetie, mere paas tu aana aana aana. यार कोई करंट मार दिए यार, झूमा झूमा कमा कमा नाचो 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 झूमा झूमा कमा झूमा झूमा कमा कमा नाचो 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 झूमा झूमा नाचो कम ऑन टच मी आई एम सॉरी मैडम आई एम लेट बिकॉज़ ऑफ ट्रैफिक जैम मर चुका था मगर मेरा मरना एक नाटक था एक ढोंग था क्योंकि पिंकी की जान खतरे में थी इसलिए लेकिन तुम तो मेरे सामने मरे थे ये बहस करने का वक्त नहीं है अभी इस वक्त भी पिंकी की जान खतरे में है प्लीज
तुम मेरे साथ चलो, मैं सब कुछ नहीं। ओ, तो तुम मुझे अभी भी कातिल समझती हो? हाँ। अब तुम पूरी तरह मेरे शिकंजे में हो, मेरे जाल में फंस चुकी हो, और इस वक्त तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें मार सकता था, मगर मैं कातिल नहीं हूं। एक बात तुम गौर से सुन लो, तुमने अपनी पूरी दौलत पिंकी के नाम करके उस मासूम की जिंदगी खतरे में डाल दी है, इसलिए वो बदमाश पिंकी को उठा लिया है। लेकिन पिंकी तो होटल में है। अभी भी तुमको मुझ पर यकीन नहीं है? होटल में फोन कर देख लो। हेलो ऑपरेटर, कनेक्ट मी टू 105 प्लीज। क्या रूम में कोई नहीं है? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर तुम पिंकी को बचाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, वरना वो लोग उसे मार देंगे। अच्छा तो पुलिस को भी साथ ले चलते हैं। रीतू, पुलिस तुम्हारी जान बचा सकती है, पिंकी की नहीं। फिर भी अगर तुम चाहते हो पुलिस को साथ ले चले तो बेशक ले चलो। अच्छा चलो चलो। क्या बात है इंस्पेक्टर? मैडम कहाँ जा रही हैं? इनको बाहर जाने देने का ऑर्डर नहीं है। हा? मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन रॉकी साहब को देनी होगी। हेलो हेलो, रितु जी कहीं बाहर जा रही हैं? व्हाट, स्टॉप हर। ठीक है, मैं उनको रोकने का ऑर्डर दे देता हूँ। रितु कहाँ है? सर, हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो आदमी सफेद कार में भगा कर ले गया है। हमने कार का नंबर नोट कर लिया है सर। जल्दी आओ, चलो। ये तुम मुझे कहां ले आए हो? रितु, यही वो जगह है जहां मेरी बेटी की सांसों पर मौत का पहरा है। लेकिन ये लोग हैं कौन जो कुछ पैसों की खातिर पिंकी की जान लेना चाहते हैं? मैं हूं। अरे तो मैं ताज्जुब हो रहा होगा ना तुम्हें कि संगीत के सुरों पर थिरकने वाला कलाकार इतना बेरहम मुजरिम भी हो सकता है। वो तस्वीर का एक रुख था और ये सच्चाई का दूसरा पहलू। रितु जो उंगलियां कल तक सांस बजाया करती थी, आज उन्हीं हाथों में एक ननी सी बच्ची की गर्दन है। तुम्हारी बहन की आखिरी निशानी पिंकी, तुम चाहो तो उसे बचा सकती हो। मुझे बस इन कागजों पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम पैसों की खातिर इतना गिर जाओगे। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा था। दोस्त? किसका दोस्त? बेवकूफ लड़की, वो रिश्ता जो एक जवान लड़के और लड़की के बीच में पनपता है उसे दोस्ती नहीं प्यार कहते हैं। मेरे एहसास, मेरे जज्बात आग बनकर मेरे सीने में सुलगते रहे, और तुझे उसकी हल्की सी भी तपिश महसूस ना हुई, मैं तेरी कुर्बत को तरसता रहा, और तू अपनी आशिक की बाहें सेकती रही, मेरा
उसी नफरत और इंतकाम के जुनून का नतीजा है। मैं तुझे तो हासिल नहीं कर सका, लेकिन आज मैं उस दर्द का हासिल करूंगा जिसकी बदौलत मैं हर रात तो जैसी एक कली को खरीद कर मसल सकूं। Now come on, sign those papers! ठीक है, तुम इन कागजात पर मेरे दस्तखत ही चाहते हो ना? मैं करूंगी, लेकिन पहले मैं पिंकी को देखना चाहती हूँ। उसकी फिक्र तुम मत करो पार्टनर। वो जहां भी है बहुत आराम से है। अरे इतनी हैरान क्यों हो रही हो? Oh, I see how stupid of me. तुम ये चेहरा तो हजार बार देख चुकी हो, मगर ये रूप पहली बार देख रही हो, राइट? लेकिन तुम तो खुद चाहते थे ना कि इस रकम से हॉस्पिटल खोला जाए। जी जी, इसी मकसद के लिए तो हम सब ने ये पैसे इकट्ठा किए थे। एक्सक्यूज मी, हम सब? हम सब ने नहीं, मैंने और इसने। वो मेरी मेहनत थी जिसने तुझ जैसी लड़की को इस काबिल बनाया, जिसके कदमों की थरथराहट करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाए। वरना बंबई शहर तो ऐसा शहर है जहां तुझ जैसी हजारों लड़कियां रोज स्टार बनने का ख्वाब लेकर आती है, लेकिन या तो गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाती है या तो किसी कोठे की रौनक बन जाती है। हम सब एक एक पल, वो एक एक दिन जो मैंने तुझे तराशने में बर्बाद किए, उसका कर्ज चुकाने का आज दिन आ गया, सूद समेत। Now sign the bloody papers. अगर कोई अपनी जगह से हिला तो जुर्म की शतरंज पे मौत के मारे बिछा दूंगा। Come on. Move. तेरा खेल खत्म हो चुका है दीपक मल्होत्रा। दीपक मल्होत्रा? मैं? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं राज मल्होत्रा हूँ। राज? तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं रॉकी, ये सच बोल रहे हैं। ये मेरे जीजा जी हैं, राज मल्होत्रा। मुजरिम तो ये दोनों हैं जो पिंकी की जान के बदले मुझसे इन पेपर्स पर साइन करवाना चाहते हैं। नहीं रितु, औरों की तरह तुम भी धोखा खा गई हो। मुजरिम ये दोनों नहीं बल्कि ये राक्षस है। ना तो तुम जया के शौहर हो ना पिंकी के पिता। रितु, ये राज मल्होत्रा नहीं दीपक मल्होत्रा है। दीपक मल्होत्रा! क्या बकवास कर रहे हो तुम कहना क्या चाहते हो कि गुनहगार मैं हूं, मुजरिम मैं हूं? किसी पे इल्जाम लगाने से पहले सबूत होना चाहिए। अरे गुनहगार तो ये दोनों है जिनका घिनौना रूप के देख चुकी है। मैं राज मल्होत्रा हूं। ठीक है, अगर एक पल के लिए मान लिया जाए कि तुम ही राज मल्होत्रा हो तो फिर वो कौन है?
मुझे जिंदा देखकर हैरान हो गए? वैसे मुझे मारने में तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। कौन हो तुम बोलो? मैं तेरा हमशक्ल भाई राज मल्होत्रा हूं और आज मैं तेरा राज फाश करने आया हूं। यही फर्क है हम दोनों के बीच दीपक मल्होत्रा, कि तेरी आंखें नीली है, नीली, मेरी नहीं। मेरी आंखें नीली है, हां, उस रात यही हरकत तेरी बीवी ने भी की थी। उसने भी मुझे थप्पड़ मारा था और मेरी नीली आंखों का राज जान गई थी। कमीने, जया का खून तूने किया था और दुनिया मुझे खातिर समझती रही क्योंकि तूने मुझे कैद करके रखा था। हाँ, मैंने तुझे कैद कर रखा था क्योंकि तू मेरा हमशक्ल है, हमशक्ल, और तेरे हमशक्ल होने का फायदा उठाकर मैं तेरी बीवी का जायदाद का वारिस बनना चाहता। लेकिन उसको मारने के बाद मुझे पता चला कि उसने अपनी पूरी जायदाद रीतु के नाम लिख दी और इस जायदाद के लिए तूने रीतु को भी मारना चाहा। हाँ हाँ, चाहता तो मैं यही था, मगर ये कमबख्त आशिक बीच में आ गया और इसे मारने के लिए मैंने गुंडे भेजे, मगर मेरी तकदीर कुछ खराब थी। जे जे और राकेश ने आकर इसे बचा लिया और रीतु के वहां आने से पहले तूने मुझे मारने की पूरी कोशिश की। मैंने तो यही सोचा था कि तू मर चुका है, मगर तू जिंदा है, जिंदा। हाँ। उसके बाद हम तेरे अगले कदम का इंतजार करते रहे और तूने एक भूल कर दी। तू पिंकी को हासिल करने राज मल्होत्रा बनकर उसके हॉस्टल पहुंचा, लेकिन यह बात उस हॉस्टल के पादरी ने हमें बता दी। फिर तूने अपने ही किसी आदमी को बोट क्लब का मैनेजर बनाकर रितु को इनॉग्रेशन के लिए बुलाया और मुझे फोन करके रोक लिया। लेकिन इससे पहले कि बोट में लगा हुआ बॉम्ब रितु और पिंकी की जान ले लेता, मैंने उन दोनों को बचा लिया। बार बार अपने मकसद में नाकामयाबी ने तुझे पागल कर दिया और तू अपने जुनून से मजबूर रितु को मारने के लिए उसके कमरे तक पहुंच गया। मुमकिन था कि उस रात में तुझे रंगे हाथ पकड़ लेता, मगर तू बच निकला। इस बीच तुझे पता चला कि रॉक डांसर ग्रुप में 15 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और ये तीनों ये रकम चैरिटी फंड में देना चाहते हैं। तू एडवोकेट मेहता के ऑफिस पहुंचा, उसका खून करके तूने वो कागजात हासिल कर लिए और वहीं पर तूने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट टाइप किया जिस पर इन तीनों के सिग्नेचर लेने के बाद उस 15 करोड़ का अकेला वारिस सिर्फ तू होता। फिर तूने बड़ी चालाकी के साथ पिंकी को होटल से किडनैप किया। उसके बाद ये आकर हमसे मिला। पिंकी की जिंदगी की धमकी देकर इसने न सिर्फ इन कागजात पर हमारे दस्तखत करा लिए, बल्कि रितु के सामने हमें खलनायक बना के पेश किया ताकि रितु बच्ची की खातिर कागजात पर अपने दस्तखत करे। लेकिन अफसोस, तेरा ये प्लान कामयाब नहीं हो सका मिस्टर दीपक मल्होत्रा। वाह इंस्पेक्टर वाह, उम्र तो तेरी कच्ची है मगर काम बहुत पक्का किया है तूने। मेरे गुनाहों की कहानी नहीं बल्कि पूरा इतिहास खड़ा कर दिया तुमने। मगर फिर भी मेरा मकसद पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मेरे हर गुनाह का जिम्मेदार मैं इसे ठहरा हूं। हाँ तुम्हें, और तुम सबको मारने के बाद ना कोई सबूत रहेगा ना कोई गवाह रहेगा जो कह सकता है कि मैं दीपक मल्होत्रा हूं। बस यही तेरी शैतानी चालों का ट्रैफिक जैम हो गया है बच्चों, क्योंकि जिसके सामने तूने अपने गुनाहों का इकरार किया है ना, वो राज मल्होत्रा नहीं, वो है आपके चाहते। क्यों हो गया ना ट्रैफिक जैम? भाई साहब, अभी आपने जो अपने जुर्म का इकरार किया है वो इस टेप रिकॉर्डर में टेप हो चुका है। आप तो गए 14 साल के लिए अंदर। बाकी हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। थैंक्स दोस्त,
ऑल द बेस्ट। क्या डर्टी लुक दे रहा है यार ये भाई, देख ले देख। रॉकी नहीं, इसके साथ कोई जाति मत करो, पिंकी अभी भी इसके कब्जे में है। बता पिंकी कहां है? ऐसी भी क्या जल्दी है, देखना चाहते हो वो नन्ही सी जान कहां है? वो देखो रितु, उस बॉम्ब उसके शरीर में बांध रखे हैं मैंने। हाँ पिंकी। तो फिर जल्दी से उन कागजात में दस्तखत कर दो। मैंने दस्तखत कर दिए हैं, अब तो पिंकी को छोड़ दो। छोड़ दूं? तुम क्या कहते हो, छोड़ दूं? मैंने इसे 5 मिनट की जिंदगी बख्श दी है। क्या बचा सकते हो तो बचा लो। अब्दुल देख क्या रहे हो, भून डालो इन सबको। याद रखना रितु, दोस्त दोस्तों की जान बचाते हैं लेते नहीं। अंकल इसे मेरी मम्मी डैडी को मारा है, इसे मत छोड़ना अंकल, इसे मत छोड़ना। Thank you.
समाधा फॉक्स मेरा इंतजार कर रही है। डोंट वरी अंग्रेजी मैन, जैसी बाबू इसका मैन।